Hey guys, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ सैमसंग की तरफ से आने वाला इनका T50 स्पीकर। और आज की वीडियो के अंदर इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, तो देखते हैं ये जो स्पीकर है आपको डांस करवा पाता है कि नहीं। और इस वीडियो को शुरू से एंड तक अरे देख लेना यार, भाई की वीडियो है, फ्री में है, तो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है स्पीकर का बॉक्स और सामने की तरफ आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। राइट साइड पे साउंड टावर MX ST50B लिखा हुआ है। बॉक्स के ऊपर ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ एसेसरीज हमें इसके बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले इधर हमें एक कुछ पेपर वर्क दिया गया है जिसके अंदर यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड है, तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। और उसके बाद इधर हमें देखने को मिल जाती है पावर कॉर्ड। तो ये 1.5 मीटर की पावर कॉर्ड आपको देखने को मिलती है जो कि अच्छी खासी लेंथ की आपको देखने को मिल जाती है, तो इसको साइड में रखते हैं। और इधर हमें देखने को मिल जाती हैं दो AAA बैटरीज जिससे हम इसके रिमोट को पावर करेंगे। तो ये है स्पीकर का रिमोट। और इधर ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको पावर ऑन एंड ऑफ बटन, इनपुट बटन, लाइट चेंज बटन, ब्लूटूथ पेयरिंग बटन, USB ऑक्स, DJ इफेक्ट, अप डाउन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, प्ले पॉज बटन, फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन, म्यूट बटन, बेस बटन और रीप्ले बटन देखने को मिल जाता है। नीचे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। पीछे भी आपको सेम पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो देखने को मिल जाती है। और ये जो रिमोट है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। मैं आपको इसका बैक कंपार्टमेंट को ओपन करके दिखाऊँ तो इधर इसके जो दो AAA बैटरीज है वो इंस्टॉल होंगी। तो ये है सैमसंग का MX ST50B स्पीकर और ये आता है ट्राइंगुलर डिज़ाइन के साथ में। और इसके साइड पे आपको मैश देखने को मिल जाती है और इधर आपको इसका स्पीकर भी दिख रहा होगा। और क्रिस क्रॉस टाइप डिज़ाइन आपको नीचे भी मिलता है। और नीचे इधर आपको एक साइड पे दो स्पीकर आपको दिए जाते हैं और एक इधर पार्टीशन कर रखी है इन्होंने प्लास्टिक से। और लेफ्ट साइड पे भी आपको सेम वही चीज़ देखने को मिलती है, मैश ऊपर दिया गया, नीचे एक स्पीकर आपको मिल जाता है और उसके नीचे भी आपको एक स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसका जो डिज़ाइन है वो आपको बाई डायरेक्शनल डिज़ाइन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो स्पीकर है वो कुछ ऐसा लगता है। तो ये है स्पीकर का बैक और बैक आपको इस स्पीकर का कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। इधर आपको क्रिस क्रॉस वाला जो डिज़ाइन है वो दिया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में भी। और स्पीकर के अंदर वाली साइड भी सेम डिज़ाइन मिलता है। और नीचे इधर आपको पावर पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये है स्पीकर की बैक और बैक पे सबसे पहले इधर आपको ग्रैब हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है। नीचे आपको ब्लूटूथ पेयरिंग बटन, ऐड स्टीरियो बटन और ग्रुप प्ले का जो बटन है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसके पीछे वाले फ्लैप को ओपन करते हैं तो इधर हमें ऑक्स पोर्ट देखने को मिल जाती है, ऑक्स 2 दी जाती है, साथ में हमें माइक पोर्ट दिया जाता है और साथ में इधर हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन दिया जाता है और एको स्क्रोलर जो है वो देखने को मिल जाता है। और उसके साइड में इधर हमें USB पोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाती है, इससे हम अपना फ़ोन जो है उसको भी चार्ज कर पाएंगे। तो ये है स्पीकर का टॉप और टॉप पे आपको इधर एक कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है जहाँ पे पावर ऑन एंड ऑफ बटन, लाइट बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, बेस बूस्टर बटन, इनपुट बटन और साथ में आपको प्ले एंड पॉज बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर छोटी छोटी LEDs दी गई हैं जो इंडिकेट करती हैं कि इनपुट्स कौन सी लगी हुई हैं। और साथ में इधर आपको चार्जिंग पोर्ट का जो इंडिकेटर है वो भी मिलता है। और नीचे की तरफ साइड में इधर हमें सैमसंग की ब्रांडिंग जो है वो भी देखने को मिल जाती है। तो अभी मैं आपको इस LED TV की जो LEDs हैं उनको भी आपको चलाकर दिखा देता हूं। तो अभी जैसे मैं इसकी वॉल्यूम अप कर रहा हूं तो इसकी जो लाइट्स है वो ऊपर जा रही हैं और जैसे मैंने इसकी ये वॉल्यूम जो है वो फुल हो गई तो इसने फुल स्वाइप कर लिया है। तो कुछ ऐसे इसके आपको वॉल्यूम इंडिकेट हो जाएगी कि इसकी जो वॉल्यूम है वो फुल हो गई है। अब इसकी मैं वॉल्यूम डाउन कर रहा हूं और आपको पता चल रहा होगा कि इसकी जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे डाउन आ रही है। और इधर आपको अलग अलग LED मोड्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और इसकी जो LED है ये म्यूज़िक के साथ सिंक्रोनाइज होकर जो LED है ये प्ले होती है और देखने में ये जो LED है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। इसके अंदर आपको 4 से 5 मोड्स देखने को मिल जाते हैं और आप इसकी जो LED है उसको आप ऑफ भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको करके दिखाई। तो ये ऐसे ही स्टेबल भी आप इसको रख सकते हो अगर आपको सभी के सभी कलर्स चलाने हैं तो ये LED स्टेबल भी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं स्पीकर के कुछ फीचर्स की। तो ये जो स्पीकर है ये आता है 240 वॉट्स की साउंड आउटपुट के साथ में। और ये जो स्पीकर है ये आपको बाई डायरेक्शनल साउंड आउटपुट ऑफर करता है, मतलब हाफ जो इसकी वॉल्यूम होगी जैसे 120 वॉट्स वो हाफ राइट साइड जाएगी और हाफ जो होगी वो लेफ्ट साइड जाएगी। और साथ में इस स्पीकर के अंदर आपको 18 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस स्पीकर के अंदर इसकी चार्जिंग केबल जो है उसको प्लग कर देते हो तो इसकी जो वॉल्यूम है ये 25% तक इंक्रीज हो जाएगी। और साथ में स्पीकर के अंदर आपको
डिफरेंट कैरियोके मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट लाइट मोड्स भी दिए जाते हैं। इस स्पीकर के अंदर आपको डिफरेंट डीजे मोड्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ में ये स्पीकर आता है IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट के साथ में, और साथ में इसके अंदर आपको बेस बूस्टर भी देखने को मिल जाता है, और साथ में ये जो स्पीकर है ये एज अ पावर बैंक भी काम करता है, और आप इससे USB लगाकर भी जो म्यूजिक है वो प्ले कर सकते हो। तो ये थे इस स्पीकर के कुछ फीचर्स। तो बात आ चुकी है मेरे वर्डिक्ट की कि आपको सैमसंग का ये स्पीकर परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस, तो मार्केट के अंदर ये आपको 20,000 से लेकर 21,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज के आसपास देखने को मिल जाता है। और अगर आपको ऑनलाइन इस स्पीकर को परचेज करना है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दिवाली के टाइम पे इसके जो प्राइजेज है ये ड्रॉप होएंगे, और साथ में कैशबैक्स वगैरह लगाकर आपको ये स्पीकर 20-21,000 के अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्पीकर ये आता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ, इसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सुपर देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपको LED लाइट्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कैरियोके मोड और बेसिक जो जो एसेंशियल्स हमें इस पार्टी स्पीकर के अंदर चाहिए होती हैं वो हमें इस स्पीकर के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो पर्सनली मेरे को इसकी जो स्पीकर की बेस है वो थोड़ी सी कम लगी, 25 की जो बेस है वो थोड़ी कम है, बट अगर आपको ओवरऑल क्वालिटी चाहिए और आपको बेस भी अच्छी खासी चाहिए तो आप डेफिनेटली इस सैमसंग के स्पीकर को चेकआउट कर सकते हो। सैमसंग का जो सर्विस नेटवर्क है वो आपको ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल जाता है, जहाँ पर भी आप जाओगे आपको इसकी सर्विस जो है आपको डेफिनेटली मिलेगी। यही था स्पीकर का कुछ वर्डिक्ट। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, एंड एज ऑलवेज गेम ऑन।